सूर्य उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर महानगर में छठ पूजा के सामग्रियों की दुकानें सजी रहीं। पूजा में प्रयोग होने वाले फल, गंजी, सुथनी, अनन्नास, गन्ना, सिंघाड़ा, मूंगफली, संतरा, खीरा, लौकी, सेब, केला, पपीता, आंवला, नींबू सहित अन्य फलों की लोगों ने जमकर खरीदारी की और छठ पूजा की तैयारी में जुट गए। आपको बता दें कि सूर्य उपासना का पर्व छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें सभी फलों का प्रयोग किया जाता है। इसके संबंध में दुकानदारों ने बताया कि सभी फलों की बिक्री ठीक हो रही है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अभी कल तक बिक्री और भी अच्छी होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल और सूर्य उपासना के पूजन सामग्रियों के विक्रेताओं ने कहा, अभी कुछ नहीं बिक्री हुआ है। क्या लग रहा है अभी बिक्री होगी? अभी हम लोग का भर्ती फंस रहा है, व्यापारी नहीं आ रहे हैं। कितने दिन हो गए कि आपने दुकान लगाए? कल शाम को लगाए हैं। अभी दुकान लगाई आप यहाँ पे बिक्री हो रही है कि नहीं? नहीं, नहीं बिक्री हो। कितने दिन से दुकान हो गया लगाए हुए? हम क्यों हो गए नवरत्न में से लगावा था। कोई ग्राहक नहीं? नहीं बाबू, दुकान लगा रहे कुछ दिख नहीं रहा। नहीं तब बताइए क्या हुआ? 200, 400, 300 यह भी कहता। अभी तक बहानी नहीं कहिए। 30 रुपया। शुभम, दुकान लगाए आप यहाँ पे? हाँ भैया। क्या बिक्री की स्थिति? स्थिति भैया ज़्यादा बढ़िया नहीं है और इस समय उतने ग्राहक भी नहीं चल रहे हैं। मार्केट आपका कल से बढ़ेगा। छठ पर्व तो ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। अभी भीड़ जाम लगी हुई थी गन्ने का, अभी थोक रेट पे जा रहा है तो इसी वजह ज्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे। इंदू भैया तो बनात बढ़ जाए, देखत बढ़ले बारी पाँच पे चीजों का ज्यादा डिमांड रहा था, लोग खरीदारी करते हैं। क्या स्थिति का स्थिति बैठे? वो 200 का मांगत बढ़ जाए तो गाँव की भाग जाए तो लेते ना होगा। संत कुमार, मान्य स्थिति चल रहा है, हल्का फुल्का महंगा है, ज्यादा महंगा नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है, अब देखा जाएगा कल और परसों में क्या स्थिति रहती है। क्या लग रहा है अभी बिक्री होगी? अभी तो समय है, अभी स्टार्टिंग है, बिक्री चल रहा है हल्का फुल्का।